हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मोहब्बत नहीं होती तो आप घर में होते, नरम नरम बिस्तरों पे होते, लेकिन खुदा की कसम आपको नबी से मोहब्बत है, इसीलिए नबी के जलसे से भी मोहब्बत है। एक शायर कहते हैं कि जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, अगर आप भी यकीनन चाहते हैं तो पूरा मजमा एक मरतबा रंग में हाथों को उठाकर नबी के नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह, खुदा की तस्बीह पढ़ ले, तस्बीह पढ़ ले, हो सकता है यही तस्बीह खुदा के बारगाह में कबूल हो जाए और हमारे लिए निजात का सामान बन जाए। बोल दे सुभान अल्लाह। जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, खुदा भी उस पर जहन्नम हराम कर देगा। अगर सच्चाई है शेर में तो इजहार मेरे सासाराम वाले करेंगे, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बताने की जरूरत नहीं, ये सासाराम की सरजमीन है। शायरी सुनने वाले लोग बैठते हैं, वाकई में शायरी सुनने के लिए यकीनन आपके पास हुनर है तो मुझे बता दीजिएगा, जिस तरह मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ इस्तकबाल कर देना, मुसलमानों में समझ जाऊंगा कि वाकई मेरे सासाराम वाले बिल्कुल तैयार रहते हैं। जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम कर देगा। इशारा यूं करूं तो हाथों को उठाकर बोलना है, जरा एक मर्तबा एडवांस में बोल दे या रसूल अल्लाह। जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम कर देगा। मोहब्बत के जरिए जरा सा इस्तकबाल कर देना मुसलमानों। जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम कर देगा। सवाल तीसरा, नकीरैन कैसे पूछेंगे? अरे जो बंदा उठ के नबी को सलाम कर देगा, जो बंदा उठ के नबी को सलाम कर देगा। हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम सोचे कि मुसाफा वसाफा करने आ रहे हैं आप, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। लाओ बेटा, यही छोटा तो हमको समझता है, असल में बच्चा लोग से लेने में ठीक भी नहीं लगता है, और नहीं लेते हैं तो घरे जाके ठीक नहीं लगता है, क्या कीजिएगा, मजबूरी है। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। जो हजरात आ रहे हैं तशरीफ रखे आप हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताने की जरूरत नहीं, बस आप तशरीफ रखते जाएं। मोहब्बत के साथ पहला नारा, और ऐसा नारा हो जाना चाहिए, कुरान मुकद्दस की तिलावत आपकी समातों की फजाओं में जब गूंजेगी तो आप बड़ी अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, बड़ी खामोशी के साथ सुनिएगा, ताकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जब कुरान की तिलावत कोई करे कारी तो बड़ी खामोशी के साथ कान लगाकर सुनो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम कर दे। कोई बातचीत न करे, बड़ी खामोशी के साथ सुनिए। झूम कर नारा लगा लीजिए, कारी कुरान तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, माशाल्लाह। जरा सा हाथ को उठा लेते तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम समझ रहे हैं कि हाथ में परचम तो नहीं है, लेकिन आज ये समझ लीजिए कि मेरा हाथ ही इस्लाम का परचम है। नारे नारे रिसालत, जश्ने मिलादुन नबी, जलसे सीरत पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदब के साथ मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ, कारी कारी कुरान हजरत कारी मुबारक हुसैन साहब क़िबला के बारगाह में कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान मुकद्दस से इस पाकीज़ा और खूबसूरत जलसे सीरत पाक का आगाज कर दें।